नंदनवन थाना अंतर्गत डायमंड नगर में एक घर के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने घर में प्रवेश कर सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से अन्य चोरियां भी उजागर की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार डायमंड नगर गजानन मंदिर के पास रहने वाली फिरियादी विद्या निवारी यह नए वर्ष के सेलिब्रेशन के लिए रामटेक गयी थी। वहाँ से अपने घर लौटने पर उसके बेडरूम के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई दिखाई थी। उसने घर के बेडरूम की अलमारी की जांच की तो उसे अलमारी की कुंडी भी टूटी हुई दिखाई दी। अलमारी में रखे हुए सोने का मंगलसूत्र कीमत 10,000 रुपए, सोने के टॉप्स कीमत 5,000, चांदी के 2 कमल फूल, 1 कटोरी, 1 छोटी प्लेट, ऐसा कुल मिलाकर 25,000 रुपए का माल चोरों ने चुरा लिया। फिरियादी ने इसकी शिकायत नंदनवन थाने में की। पुलिस ने मामला दर्ज किया और चोरी की जाँच शुरू की। पुलिस को किसी खबरी ने सूचना दी, उसके आधार पर आरोपी दुर्गा माता मंदिर योगेश्वर नगर निवासी नशिकेत गोपाल ठाकरे, आरोपी रंजीत नगर न्यू दिल्ली पटेल नगर निवासी अक्षय कुमार, दिनेश कुमार गुप्ता, आरोपी योगेश्वर नगर दिघोरी निवासी सचिन खान पासोले को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों को थाने में लाकर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने चोरी करने की बात कबूल की। आरोपियों से पुलिस ने चोरी किए गए सोने के जेवरात, पेचकस, हथौड़ी, काले रंग की पल्सर गाड़ी, ऐसा कुल मिलाकर 1,70,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई परिमंडल क्रमांक 4 की DCP नुरुल हसन, ACP पुंडलिक के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक किशोर नगराले, अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक दीपक भिताड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक राजू राउत और पुलिस कर्मी सिद्धार्थ पाटिल, संदीप गवली, पंकज तांबड़े, विनोद जिंगरे, प्रेम कुमार खैरकर, शरद सिंह ठेमरे, शरद राजेश बंसोड़ आदि ने की। नंदनवन पुलिस थाण्याच्या हद्दीमधील विद्या नेवारे ह्या नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सेलिब्रेशन करण्यासाठी रामटेक या ठिकाणी गेलेल्या होत्या। त्या डायमंड नगर या ठिकाणी राहतात। तर त्या बाहेर गावी गेल्या हे पाहून काही चोरट्यांनी त्यांच्या घरामध्ये घरफोडी केली। त्यांच्या घरातील मंगळसूत्र आणि 2 कानातील टॉप्स हे चोरी केलेले होते। सदर आरोपी यांना आपण गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अज्ञात आरोपीविरुद्ध आपण गुन्हा दाखल केला, तपास केला आणि येथील घरफोडी करणारे आरोपी आपण अटक केलेले आहेत आणि त्यांच्याकडून आपण जे गुन्ह्यामध्ये चोरीले गेलेलं मंगळसूत्र आणि 2 टॉप्स आपण हस्तगत केलेले आहेत। आरोपी अटक केलेले आहेत आणि मुद्देमाल रिकवर केलेला आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, VCN न्यूज नागपुर।